हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी आर डूइंग ऑफ लेसन नंबर फाइव बी पार्ट हु एम आई बी पार्ट में आपको बताना है कि ये किन कीज के बारे में बात की जा रही है फर्स्ट इज आई टाइप द अल्फाबेट्स इन कैपिटल मैं अल्फाबेट्स को कैपिटल में लिखता हूँ तो आप सोचिए कि अल्फाबेट्स को कैपिटल में कौन सी की लिखती है यस यू ऑल नो ऑफ कोर्स इट्स कैप्स लॉक कैप्स लॉक की क्या करती है स्टूडेंट्स एल्फाबैट्स को कैपिटल में लिखने में हमारी हेल्प करती है सेकेंड इज आई इरेज द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर मैं करेक्टर जो है किस तरफ इरेज करता हूँ कर्सर से लेफ्ट साइड पे इरेज करता हूँ तो आप सोचिए कि कर्सर से लेफ्ट साइड पे इरेज कौन करता है बैक स्पेस की इट्स आंसर इज बैक स्पेस थर्ड इज आई मूव द cursor टू अ न्यू लाइन मैं कर्सर को एक नई लाइन में मूव करता हूं और ये काम कौन सी की करती है एंटर की करेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर मैं कर्सर से राइट हैंड साइड पे इरेज करता हूं और ये काम कौन सी की क्या है किड्स ये की है आपकी डिलीट क्योंकि डिलीट की कर्सर से राइट हैंड साइड पे इरेज करने में हमारी हेल्प करती है ओके okay? नेक्स्ट सी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अल्फाबेट कीज आर देर ऑन की बोर्ड की बोर्ड के ऊपर कितने एल्फाबैट कीज होते हैं इसका आंसर है ट्वेंटी सिक्स कीज क्योंकि ए टू जेड में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं इसलिए टोटल अल्फाबेट कीज भी कितनी होती है ट्वेंटी सिक्स सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी एरोज आर देयर ऑन द की बोर्ड की बोर्ड के ऊपर कितनी एरो कीज होती हैं तो स्टूडेंट्स टोटल फोर एरो कीज होती हैं अप डाउन एरो लेफ्ट एरो एंड राइट एरो तो इसका आंसर है क्योंकि इन्होंने हाउ मैनी पूछा है कितनी होती हैं फोर कीज नंबर थर्ड नेम एनी फोर स्पेशल कीज स्पेशल कीज के फोर स्पेशल कीज के नेम बताने हैं आपको तो वो कौन कौन सी हैं आप वैसे तो कोई भी फोर स्पेशल कीज लिख सकते हो पर हमने इसमें आंसर में लिखा है एंटर कैप्स लॉक स्पेस बार एंड डिलीट की एंटर की क्या करती है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजती है लॉक की कैपिटल लेटर्स लिखती है स्पेस बार की हेल्प से आप टू वर्ड्स में स्पेस देते हैं और डिलीट की कर्सर से राइट हैंड साइड पे करेक्टर्स को इरेज करती है ओके स्टूडेंट्स गॉट इट बाय